हेलो गाइस, चलिए देखते हैं क्या आपके पार्टनर को कोई फर्क पड़ता है आपके उनके लाइफ में होने या ना होने से। चलिए देखते हैं क्या उन्हें कोई फर्क पड़ता है। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है, जनरल रीडिंग है, सो कीप इट ओपन माइंड। क्या उन्हें फर्क पड़ता है? अगेन, आज मेरे सारे रीडिंग्स में टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आए हैं। शॉर्ट्स वीडियोस में, लेंथी वीडियोस में, ऑल रीडिंग्स में टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आए हैं। कुछ कलेक्टिव लेवल पर कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में, और बहुत पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव। जो लोग भी सालों से वेट कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर के लिए, सोलमेट्स, हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग भी हैं, मेजर चेंजेस आ रहे हैं कलेक्टिव लेवल पर। यही बार बार मैसेजेस एंजल्स देना चाहते हैं, तभी सेम एनर्जी बार बार निकल कर आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों के पार्टनर आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फील करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो हो सकता है ऑलरेडी आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज में हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है मैरिज कमिटेड आप हो लेकिन डिले आप लोग फेस कर रहे हो किसी कारण से, या बहुत सारा कन्फ्लिक्ट हो रही है शादी से पहले, आप लोगों के फैमिली नहीं मान रही है, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। आपके पार्टनर ने कमिटमेंट तो दे दिया है आपको, लेकिन उसके बाद शायद फैमिली नहीं मान रही है, या फैमिली नहीं मान रही है इस वजह से कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है आप दोनों में, लेकिन यस, आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, और आप अगर इनके लाइफ में नहीं होते हो तो इनकी हालत ये हो जाती है। माइंड पेन के इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं, मन में बहुत सारा दुख होते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अकेले में रहते हैं, गुम हो जाते हैं, मतलब गुमसुम रहने लगते हैं, और चिड़चिड़ापन, मतलब कोई कुछ भी कह देता है और ये एकदम टूट पड़ते हैं, लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन कन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं होते हैं अगर आप इनके लाइफ में नहीं होते हो। और अगर आप इनके लाइफ में नहीं होते हो तो आपके पार्टनर 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, इनके लाइफ में कंटिन्यूअसली आप घूमते रहते हो। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि आपसे ट्रू लव जो है, क्योंकि आप दोनों में सोल कनेक्शन जो है, इसीलिए इतना ज़्यादा सोचते हैं। तो यस, आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ता है, आपके पार्टनर चाहते हैं आपके लाइफ में आकर आपको कमिटमेंट देना, अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो। अगर आप दोनों अभी रियूनियन में हो, मतलब ऑलरेडी आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो रही है, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हो, लवी डबी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आया है, क्योंकि लवी डबी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों अभी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और एक बबल फेस चल रहा है आप दोनों के लाइफ में, बहुत खुश हो आप दोनों। हाँ, कुछ ऑब्स्टकल्स हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर वही चाहते हैं कि आप दोनों में अभी इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आए। जो भी सिचुएशन है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर स्टक हो चुकी है कहीं पर मैरिज कमिटमेंट में, या मैरिज में कहीं पर स्टक हो चुकी है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ग्रोथ चाहते हैं, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पार्टनर। खोना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। देखिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस यहाँ पर दर्शाती है। आपको बिल्कुल भी अपने आप से अलग ये नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो यस, आपके पार्टनर को फ़र्क पड़ता है। आपके पार्टनर स्ट्रेंथ बना रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी दे पाए, इस कनेक्शन में क्लैरिटी आए। अगर आपके पार्टनर ने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया है, कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आपके पार्टनर ने कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया है कि आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, तो तब यहाँ पर आपके पार्टनर क्लैरिटी लेकर अपने आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे, आपके साथ न्यू बिगिनिंग ये करेंगे। ये स्ट्रेंथ बना रहा है कोई पावरफुल एक्शन लेने के लिए। जो लोग भी नहीं मान रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को, उन्हें मनवाने की ये कोशिश कर रहे हैं, हर एक पॉसिबिलिटीज़ को ये ट्राई कर रहे हैं कि आपको हमेशा अपनी लाइफ में रखा जाए, इसलिए ये हर एक पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों कार्ड निकल कर आए हैं, देखिए, आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, आपके तरफ ये मैग्नेटिक पुल सा फील करते हैं, आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, ओके। और रियूनियन भी आपके पार्टनर आप ही के साथ चाहते हैं, मैरिज भी ये आपके साथ ही चाहते हैं, आप हो इनके विश फुलफिलमेंट, ओके। आपसे दूर अगर आपके पार्टनर होते हैं तो इनका ये हाल हो जाती है, दिल बुरी तरीके से टूट जाता है, दुखी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन इनमें हो जाती है, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो जाते हैं, दूसरों से लड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, दिल मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आपसे दूर। तो यस, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी होने या ना होने से इनके लाइफ में, ये तो आप समझ ही चुके होंगे, ओके। तो गाइस, आई होप कि आप सभी को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से, आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग से, ओके। तो अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।